गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड स्थित छिछवानी पंचायत अंतर्गत ग्राम थाना डंडगांव में रात 12 बजे एक हाथी ने चार ग्रामीणों का घर तोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीण रात जागा कर गांवों में सुरक्षा दे रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने बताया कि हाथी घर में रखा सारा धान चट कर गया। घर का नुकसान वालों ने सिप्रियन कुजूर थॉमस टोप्पो, सिप्रियन कुजूर विनय किरकट्टा का घर को हाथी ने नुकसान पहुंचाया है। साथ ही वन विभाग और प्रशासन के प्रति भी ग्रामीण काफी नाराज हुए और कहा कि बीते दिनों से इस क्षेत्र में हाथियों का आतंक बना हुआ है, पर प्रशासन के तरफ से किसी भी तरह का कोई राहत सामग्री वितरण नहीं किया गया। ग्रामीणों का मांग है कि वन विभाग हाथी भगाने के लिए टॉर्च और पटाखे का व्यवस्था कर दे। बता दे कि बीते कुछ दिनों से चैनपुर में हाथियों का आतंक जोरों से बना हुआ है, जिससे एक पशु सहित दो लोगों को हाथी कुचलकर मार डाला है। वो तो बड़ा बड़ा जानवर गिराया। कौन सा जानवर आया था? हाथी। हाथी कितना बजे आया था? 12 बजे। 12 बजे कितना हाथी था? एक। एक था। फिर आप लोग इसको कैसे भगाए? बत्ती सब जलाए, गांव सब जुटा, कहाँ कहाँ से गांव, 3-4 को गांव मिला। उसके बाद में बत्ती सब जलाया कि इधर साइड से निकला, गया उधर उसको निकला। अब वन विभाग वाला इधर कुछ हाथी भगाने के लिए सामान दिया है, पटाखा वगैरह, लाइट वगैरह? मेरे को मालूम नहीं है, नहीं मालूम है। अभी तक कोई वन का अधिकारी कोई आया है कि नहीं? नहीं आया, कोई नहीं आया। क्या क्या नुकसान हुआ आपको? मेरा नुकसान यही देख रहा है सामने, वही के नुकसान हुआ है। और सामान क्या क्या तोड़ा है अंदर रूम का? सामान क्या क्या टूटा है? बक्सा सब किचकुड़ी हुआ है बस। और क्या क्या बताइए? क्या बताओ, तो को धान सब को तो नहीं खाया है, खाली तो का नुकसान तो हुआ है। इतना बड़ा घर सदरा नुकसान हुआ, और क्या क्या खाने चीज वाला अगला हमको खा दिया, और उसका रहने के लिए दिक्कत था, हमको घर चाहिए। क्या नाम है आपका? सिप्रियन कुजूर। लोग यही मांग करते हैं कि घर भी मांग करते हैं, और बत्ती का भी, और जो सामान है उसको भगाने के लिए उसका भी हम चाहते हैं कि यहाँ, क्योंकि बार बार यही रास्ता हो रहा है। अच्छा, रात में परेशानी होती है। तो जब किसी तरह का सुविधा अभी तक नहीं मिला? अभी कुछ भी नहीं मिला है। रात में आप लोग कैसे बिताए? कैसे, हम बत्ती भी नहीं था, टॉर्च हम लोग, मेरे पास तो बत्ती भी नहीं था, और टॉर्च लेके कि नहीं इधर उधर भाग रहे, चांद जरिया था, इसलिए थोड़ा राहत मिली है। अंधेरिया में बहुत परेशान होते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुमति तिर्की। जोर के थे पहरा? कितना टाइम तक पहरा दिए थे? हम लोग तो 2 बजे तक। कौन बोलिए रहे हैं कि आवाज ठीक नहीं आ रहा? कोई नहीं सोया नहीं? क्या कारण से नहीं सोया? वही हथियार से वो आया है, इसीलिए डर नहीं होता है, जो डर होता है। कितना घर को नुकसान पहुँचा है? यहाँ यही घर वाला डरगांव, 2 घर। अच्छा, तो सरकार तरफ से सुविधा है आप लोग को हाथी भगाने के लिए? नहीं मिला है इसलिए तो मांग करते हैं कि नहीं? हम लोग को छोटा भाई साथी है, एक तो प्रिंसिपल था, उसको ला देंगे बोला, बत्ती तो ला देने की है। क्या नाम है? संदीप। हमरा परमा सुख। हम लोग के घर में पूरा दीवार बर्बाद कर दिया, और एक छत का बोरा था, धान था, उसको भी सबको खा दिया। और क्या हुआ? और सिलेंडर दिया, गैस सरकार से दिया था, उसको भी नुकसान किया, बाहर निकला के फेंक दिया। कौन किया बताइए? बढ़िया से हाथी किया। अच्छा, कितना बजे रात में था? 11 बजे रात में आया था हाथी। अच्छा, और क्या क्या नुकसान हुआ? ड्राम को भी निकला के पटक दिया। तो आप लोग उस समय क्या कर रहे थे? उस समय हम लोग नहीं थे, बाहर निकल गए। अच्छा, आप लोग घर से जब बाहर निकले तब ऐसा हुआ? हाँ। आपको पहले पता चल गया? आ गया नहीं, उधर आगे वाला घर को कर रहा था, तो हम लोग को पता चला, कहने हम लोग निकाल गए। उस समय गांव के लोग क्या कर रहे थे? गांव के लोग नहीं जान रहे थे, घुसा उसको भी पता नहीं था कि घर से आया, उसको भी नहीं जाने हम लोग। क्या नाम है? अंजिता टुप्पू। सरकार से क्या मांगे? सरकार से मदद चाहिए थोड़ा सा।
क्या मांग है आपका सरकार से? सरकार से घर मांग रहे हैं, पूरा नुकसान कर दिया, हम लोग कहाँ रहेंगे, रहने के लिए भी जगह नहीं है। तब से रात में हत्या आया था। क्या क्या हुआ? हुआ दे इसी को जून किया। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान उतना तो नहीं हुआ, दीवार नुकसान हुआ, धान तो नहीं था। अच्छा, तो ऐसे बोरी पड़ा हुआ है, धान का बोरी दिख रहा है, वहाँ से धान निकल खा लिया है क्या? धान थोड़ा सा था। अच्छा, ज्यादा तो नहीं था। ऐसा है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।